हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे पिंपल्स, एक्ने, उसके निशान, ब्लैक हेड और वाइट हेड्स के बारे में। दोस्तों, पिंपल्स क्यों होते हैं ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम इसका सही और बेहतर इलाज कर पाएंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पिंपल्स के साथ आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आपको क्या इनटेक करना चाहिए जिससे आपके पिंपल पूरी तरह ठीक हो जाएं और भविष्य में दोबारा कभी ना हो, और आपको कौन से DIY यूज़ करने चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम कभी आगे ना बढ़े। आज मैं आपके साथ एक मैजिकल DIY शेयर करने वाली हूँ जिसके पहले ही यूज़ से आपके पिंपल्स पूरी तरह गायब हो जाएंगे। अगर आप भी पिंपल्स या एक्ने की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमेशा ही एक्ने या पिंपल की प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आप सिर्फ एक्सटर्नल मेथड से ही इस समस्या को क्योर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी इंटरनल बॉडी को भी प्योरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है पिंपल्स आपको अनडाइजेस्ट फूड, हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर विटामिन की कमी के कारण हो रहा हो। आप खाने में कुछ सीड्स को ऐड करें, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स या फिर मेलन सीड्स। किसी भी सीड्स में आयरन, प्रोटीन, फाइबर और ओमेगा-3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में होते हैं। आप खाने के बाद एक चम्मच सीड्स खाएं। इसी तरह आप डाइट में पालक, बीटरूट और गाजर का जूस ऐड करें। यह आपके ब्लड को प्यूरीफाई करता है। विटामिन्स, आयरन और पोटाशियम से भरपूर होने के कारण यह हमारी आँखों और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा होता है। पिंपल्स की प्रॉब्लम में आप एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर सिनेमन ग्रीन टी पी सकते हैं। इसको बनाने के लिए आप एक कप गर्म पानी लें, इसमें आधा चम्मच ग्रीन टी या फिर एक ग्रीन टी का बैग डालें। अब इसमें एक छोटा टुकड़ा सिनेमन का डालें और ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ दें। अब इसे छान लें और एक लेमन की स्लाइस डालकर इसे पिएं। इससे आपके फेस पर पिंपल और उसके मार्क्स में तेजी से कमी आएगी। इसके अलावा आप रोज एक कप एलोवेरा का जूस पी सकते हैं। ये भी पिंपल्स और पिंपल्स के मार्क्स हटाने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आप इसके लिए फ्रेश एलोवेरा या फिर पैकेट के एलोवेरा जूस का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं पिंपल्स होने पर आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। पिंपल्स होने पर आपको अपना फेस बार बार टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने पिंपल्स को फोड़ देते हैं, जिससे वो पिंपल्स ठीक तो नहीं होते और उसके साइड में एक और पिंपल्स निकल आता है। इसलिए पिंपल्स होने पर अपने फेस को बार बार ना टच करें और अपने पिंपल्स को बिल्कुल भी ना फोड़ें। पिंपल्स होने पर आप अपना फेस बार बार धोएं, पर किसी साबुन या फेस वॉश से नहीं, बस आप नॉर्मल वाटर से अपने फेस को धोएं। इससे आपके फेस का एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा, और जब फेस पर ऑयल कम एक्सट्रैक्ट होगा तो आपके पिंपल्स कम निकलेंगे। आप हमेशा अपने बॉडी को क्लीन करने का टॉवल और अपने फेस को क्लीन करने का टॉवल अलग अलग रखें। ऐसा करने से आपके फेस पर गंदगी कम जमेगी और फेस पर बैक्टीरिया कम आएंगे, तो नए पिंपल आना भी कम हो जाएंगे। एक्ने की पिंपल में आप हमेशा अपने फेस को धूप से बचा कर रखें। धूप में निकलते टाइम आप हमेशा अपने फेस को स्कार्फ से ढक कर रखें, क्योंकि धूप के संपर्क में आने पर आपके पिंपल्स तेजी से फैलते हैं। दिन भर में कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पिएं। ये आपकी बॉडी की इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालता है और आपके ब्लड को प्यूरीफाई करता है। इसलिए आप जितना हो सके पानी पिए। डिटॉक्स वाटर की रेसिपी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो वो चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ एक्सटर्नल DIY की, जिसके यूज़ से आप इंस्टेंटली अपने पिंपल्स और एक्ने को क्योर कर सकते हैं। इसके लिए आप एक एलोवेरा को कट कीजिए, उस पर थोड़ा सा हल्दी छिड़के और अपने पूरे फेस पर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। इससे आपके पिंपल तेजी से ठीक होने लगेंगे। अब हम बनाएंगे एक पिंपल क्योरिंग मास्क। इसको बनाने के लिए आप नीम के पत्ते को धोकर उसका एक पेस्ट बना लें। उसमें एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी और आधे नींबू का रस मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें। इसे अपने पूरे फेस पर लगा लें और सूखने पर ठंडे पानी से अपने चेहरे को धोएं। अब बात करते हैं मेरे सीक्रेट रेसिपी की, जिसके पहले ही यूज़ से आपके पिंपल्स ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे पहले कभी थे ही नहीं। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी एक चम्मच चंदन पाउडर की। ध्यान रहे कि चंदन पाउडर एकदम प्योर होना चाहिए, तभी ये आपको 100% रिजल्ट देगा। इसके बाद आप इसमें ऐड करें 2 बूंद टीटी ऑयल की। फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा रोज़ वाटर। अब इसे पिंपल्स वाली जगह पर लगाकर 2 घंटे के लिए छोड़ दें। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जैसे ही ये सूखने लगे, इस पर थोड़ा सा रोज़ वाटर या फिर नॉर्मल वाटर स्प्रिंकल करें, क्योंकि इसमें मुल्तानी मिट्टी या फिर बेसन की तरह स्टिकीनेस नहीं होती है। इसलिए आप कोशिश करें कि एटलीस्ट 2 आवर तक ये आपके पिंपल्स या एक्ने पर स्टिक रहे। आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।